हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आप लोगों की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। मेरे पास लगातार 3-4 दिन से कमेंट आ रहे हैं कि मैम आपका डेली रूटीन क्या है, एंड साथ ही साथ एक कमेंट ये भी ज़्यादा आ रहा है कि मैम जो DSSSP के टीचिंग एग्जाम्स है वो कब होने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, मेरा जो डेली रूटीन है उसके बारे में बात करने वाले हैं, एंड DSSSP के जो हमारे टीचिंग एग्जाम की डेट है उसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बना रखी है पहले, वो आप चेकआउट कर लेना, चैनल पर आपको मिल जाएगी। अदरवाइज आप बोलोगे तो मैं दोबारा से आप लोगों के लिए सेपरेट वीडियो फिर से बना दूंगी, ठीक है। तो आज की वीडियो बड़ी ही जबरदस्त एंड धमाकेदार होने वाली है। तो देखिए, जब भी हम किसी का डेली रूटीन देखते हैं तो हमें लगता है कि कोई बंदा इतनी मुसीबत के साथ, या फिर हर एक लोगों की परेशान क्या होती है अलग अलग होती है, तो उनके साथ वो कैसे टैकल करके अपने स्टडी रूटीन को अच्छा बनाता है जिससे कि उसकी जो उसके सपने होते हैं वो पूरे कर पाता है। इससे हमें क्या मिलता है, जानने से हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि ये इतना करने के बाद इतना कुछ कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। इसीलिए हम किसी का भी डेली रूटीन चेकआउट करते हैं। आप देखोगे यूट्यूब पे, आप सर्च करोगे डेली रूटीन के रिगार्डिंग, तो बहुत सारी वीडियोस मिल जाती है, उसमें आप देखोगे कि लाखों में व्यूज होते हैं। इसका मतलब जो भी एस्पिरेंट्स होते हैं वो सभी ये देखना चाहते हैं कि कोई बंदा कितना ज़्यादा पढ़ रहा है, किस किस मुसीबत के साथ या उनके साथ क्या परेशानियाँ चल रही हैं, उनके साथ वो कितना ज़्यादा पढ़ पा रहा है। तो इससे हमें भी क्या मिलता है, एक मोटिवेशन मिलता है। इसलिए मेरे पास भी काफ़ी कमेंट आ रहे थे, तो मैंने सोचा इसके रिगार्डिंग मैं भी आप लोगों के लिए एक वीडियो बना देती हूँ। तो आज की वीडियो में स्पेशल मेरा जो डेली रूटीन है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ जिन बच्चों को नहीं पता है कि मैं DSSSP PGT कॉमर्स के रिगार्डिंग प्रिपरेशन कर रही हूँ, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग, PGT कॉमर्स के रिगार्डिंग इसी चैनल पर वीडियोस भी आती हैं, तो जिन बच्चों को नहीं पता है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो DSSSP PGT कॉमर्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। एंड साथ के साथ जो जनरल एग्जाम में जो हमारा GK का पोर्शन होते हैं उसके रिगार्डिंग प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उसका मैंने एक नया चैनल बना रखा है रितु चौधरी GK स्पेशल के नाम से। तो आप उस चैनल को भी सर्च कर लेना, या फिर आप देखोगे मैं साइड में पिक्चर लगा दूंगी, आपको मैं पता चल जाएगा कौन सा चैनल। तो वहाँ पे सिर्फ जो GK का जो पोर्शन है वो वहाँ पर कवर कराया जाता है। तो चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, DSSSP हो, NVS हो, KVS हो, SSC हो, CGL हो, तो वहाँ पर वो हमारे GK क्वेश्चंस आपको काम आने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं मेरा डेली का रूटीन। देखिए, इससे पहले आप सभी लोगों को पता है कि मैं लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी थी मैंने, तो वहाँ पे 8 से 9 घंटे में वहाँ पर स्टडी करती थी। अब जैसा कि आप सभी को पता है कि DSSSP के एग्जाम डिले होते जा रहे हैं, तो अभी मैंने थोड़े बीच में गैप लिया है। गैप लेने का मतलब ये नहीं है कि मैं स्टडी बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, ऐसा नहीं है। आप सभी को पता है फेस्टिव सीजन अभी चल रहा है, ठीक है। आप हाउसवाइफ हो, घर पे रहते हो, या फिर जो नॉर्मली अभी फेस्टिव सीजन में क्या होता है, हमारा भाई सबका मन करता है फेस्टिवल को इंजॉय करने का, ठीक है, पढ़ने का भी मन करता है। तो इसलिए मैंने भी क्या किया है, 1 मंथ का मैंने ब्रेक ले रखा है, क्योंकि इसी मंथ में बहुत ज़्यादा फेस्टिवल्स भी है, साथ के साथ 2 बच्चे होने के साथ और घर का काम हो जाता है, और अभी आप सभी को पता है दिवाली की साफ सफाई, ठीक है। तो उन सबको मैनेज करते हुए कि अब मैं कितने घंटे पढ़ती हूँ और मेरा रूटीन क्या है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, सबसे पहले अब मुझे पता है कि अभी दिन में भी पढ़ना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब दिवाली की सफाई चल रही है, ठीक है। इसलिए मैं क्या करती हूँ, मॉर्निंग में 4 o'clock डेली उठ जाती हूँ, 4 से 6 बजे तक मैं 2 घंटे निकालती हूँ अपने, ठीक है। ऐसा ही आपको करना है। अब ये नहीं है कि एग्ज़ाम हमारे डिले हो गए हैं तो इसका मतलब हम बीच में स्किप कर दें अपनी पढ़ाई को, नहीं बेटा। कंसिस्टेंसी बनाकर नहीं रखोगे ना तो बिल्कुल भी हम अपने जो हमारा गोल है, जो लक्ष्य है, उसको हम बिल्कुल भी नहीं पा सकेंगे। इसलिए आपको क्या करना है, कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंट रहने का मतलब ये नहीं है कि पहले आप 10 घंटे पढ़ते तो अभी भी आप 10 घंटे पढ़े, नहीं, मतलब जितना पढ़े, 2 घंटे पढ़े, 3 घंटे पढ़े, अच्छा प्रोडक्टिविटी के साथ पढ़े। तो अभी मैं 4 बजे उठ जाती हूँ, 4 से 6 दो घंटे में पढ़ाई करती हूँ, उसके बाद 6 से 9 बजे तक मेरा किचन का ही काम होता है, क्योंकि पहले बड़ी जो मेरी बेटी है वो पहले स्कूल जाती है, तो उसके लिए लंच वगैरह पैक करती हूँ, फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड जाते हैं, उसके बाद जो मेरी छोटी बेटी है उसको स्कूल भेजना होता है। तो ये सारा काम मेरा लगभग मैं किचन से ही 9 बजे तक फ्री होती हूँ, उसके बाद भी घर का हाउस होल्ड का जो वर्क है वो सारा होता है, फिर थोड़ा बहुत साफ सफाई का करने के बाद ऐसे मेरा सारा रूटीन चलता है 11 बजे तक, ठीक है। तो 11 बजे मैं पॉसिबिलिटी रखती हूँ कि 1 घंटा मैं वहाँ पर निकालूँ, क्योंकि उसके बाद फिर बच्चे 12:30 बजे जो छोटी बेबी वो प्ले स्कूल से आ जाती है, ठीक है, 12:30 बजे के बाद, तो उसके बाद तो मैं पढ़ नहीं सकती। तो 12:30 यानी कि ये लगा लो कि 11 से लेकर 12:30 के बीच में कम से कम 45 मिनट तो कैसे ना कैसे करके निकाल लेती हूँ कि मुझे पढ़ना है, ठीक है। हाउस होल्ड के वर्क के साथ साथ 45 मिनट मैं अपने लिए निकाल लेती हूँ। तो 2 घंटे सुबह पढ़ लेती हूँ, 45 मिनट
अभी हाल फिलहाल का ये रूटीन है तो 45 मिनट तब पढ़ लेती हूँ, ठीक है। उसके बाद बच्चे स्कूल से आ जाते हैं, उसके बाद फिर उनके साथ मेरा जो थोड़ा बहुत वर्क पेंडिंग रहता है घर का, ये नहीं है कि मैं घर का सारा काम करके ही पढ़ने बैठ जाती हूँ, नहीं, मेरे को ये पता है कि भाई अब बच्चे आ जाएंगे वो पढ़ने तो देंगे नहीं, तो घर का काम उनके साथ हम कर ही सकते हैं, इसलिए मैं घर के काम को क्या कर देती हूँ, स्किप कर देती हूँ, थोड़ा बहुत जो बचता है तो वो बच्चों के आने के बाद कर लेती हूँ। तो आप लोगों को भी ऐसे करना है, यदि आप हाउस वाइफ हैं इस तरीके से आपके साथ बच्चे भी हैं तो आपको देखिए कॉम्प्रोमाइज़ तो किसी ना किसी चीज़ के साथ करना हो, या सबसे पहले या तो आप ये कर ले भाई अपना पूरा घर का काम फिनिश करेंगे उसके बाद फिर बच्चे आ जाएंगे, बच्चों के साथ पढ़ना पॉसिबल नहीं है आप सभी को पता है, तो इसलिए आप भी क्या कर सकते हैं थोड़ा बहुत अपना जो हाउस होल्ड का वर्क उसको स्किप कर सकते हैं, बच्चे आने के बाद आप उनको उनके साथ हम काम कर सकते हैं लेकिन पढ़ नहीं सकते हैं, इसलिए मैं यही करती हूँ, पहले मैं अपना जो पढ़ने का काम होता है उसको कवर कर लेती हूँ, फिर उसके बाद बच्चों के आने के बाद जो घर का काम रहता है उसको मैं कर लेती हूँ, ठीक है। या फिर आने बच्चे के आने के बाद 12:30 से 2 बजे तक ये बच्चे आते हैं, खाना वाना उनको खिलाना होता है, किचन में हम भी खाना बनाते हैं खाते हैं, तो 2:30 बज जाते हैं, उसके बाद बच्चे सो जाते हैं, तो मेरे बच्चे लगभग उठते हैं 5 बजे, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं भी उनके साथ सो जाती हूँ क्योंकि मुझे सुबह उठती हूँ जल्दी तो दोपहर में नींद की जरूरत होती है, तो मैं 1 घंटा उनके साथ सो जाती हूँ, वो 5 बजे उठते हैं तो मैं 4 बजे उठ जाती हूँ, जो उसके बाद मैं 1 घंटा अपना पढ़ने को दे देती हूँ। उसके बाद 5 बजे के बाद फिर भाई थोड़ी बहुत साफ सफाई डस्टिंग वस्टिंग जो काम बचा होता है उसको पूरा कर लेती हूँ, शाम का खाना वाना बनाना ये सारी चीज़ चल जाती है। तो बेसिकली बात यह है कि आप फेस्टिवल के सीजन में आप ये लगा लीजिए कि 4 घंटे में अभी भी अपने लिए निकाल लेती हूँ, तो ऐसा ही आप लोगों को करना है, ये मत सोचना कि भाई इतना सारा काम है बच्चे है साथ में, यदि बर्डन लेके चलोगे ना तो बर्डन के साथ आप लोग बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़ पाओगे, बर्डन तो बिल्कुल लेना ही नहीं है, किसी भी प्रकार का बर्डन नहीं लेना है। और एक ये नहीं करना है कि जैसे कि आज नोटबुक उठाई और फिर खोल के देखा अरे क्या पढ़े ये पढ़ने का मन नहीं है ये पढ़ने का मन नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले अपना टारगेट सेट करके रखना है, टारगेट जैसे ही सेट कर लोगे आपको पता है कि आज मुझे ये चीज़ें कवर करनी है, ठीक है। तो आप जैसे आपको अभी पता है कि फेस्टिव सीजन है, आप दिन में 2 या 3 घंटे निकाल सकते, तो उसके अकॉर्डिंग अपना टारगेट बनाए, यानी कि जो बच्चे हाउस वाइफ नहीं है, अभी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अनमैरिड बच्चे हैं वो भी अभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके पास वो टाइम एक फेस्टिवल का जो दिन होता है उसी दिन आप नहीं करोगे पढ़ाई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास टाइम कम है, तो आप अपने जैसे मान लीजिए आप 6 घंटे निकाल सकते हो तो उसके अकॉर्डिंग अपना टारगेट बनाए। तो सबसे पहली बात यही कि सबसे पहले आप लोगों को टारगेट सेट करना है, ठीक है। सेल्फ स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो आप चाहे कहीं से कोचिंग ले रहे हो, कितने बड़े से बड़े इंस्टीट्यूशन से कोचिंग ले रहे हो, कितने घंटे आप पढ़ते हो 12 घंटे पढ़ते हो 14 घंटे पढ़ते हो, बिना सेल्फ स्टडी के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी के रिगार्डिंग मैंने अभी हाल फिलहाल में 1 या 2 दिन पहले वीडियो बनाई है, आप देखना, या तो फिर आपको आई बटन में वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। सेल्फ स्टडी के रिगार्डिंग उसमें मैंने सिर्फ प्रॉपर ये बताया था कि आप लोगों को कैसे सेल्फ स्टडी करनी है, ठीक है। सेल्फ स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप 10-12 के स्टूडेंट हैं या फिर आप किसी भी ऑपरेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी के बिना कोई भी बच्चा आगे नहीं जा सकता है, इसलिए सेल्फ स्टडी करना सबसे ज़्यादा मस्ट इंपॉर्टेंट है। एक बार बता दें सबसे पहले आपको क्या करना है, अभी फेस्टिव सीजन में आपको कम से कम 3 या 4 घंटे अभी निकालने हैं, जैसे फेस्टिव सीजन आप लोगों का फिनिश हो जाएगा आफ्टर दिवाली, दिवाली के बाद सारे फेस्टिवल समाप्त हो जाते हैं भैया दूज गोवर्धन वगैरह ये सारे होने के बाद, उसके बाद कम से कम आपको 7 से 8 घंटे निकालने पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं इससे पहले जो मेरा ये से पहले हम बात करते हैं, मेरा रूटीन यही था, मैं भी दोबारा से लाइब्रेरी अपनी ज्वाइन कर लूंगी, क्योंकि अभी इसमें देखिए इस मंथ में ज्यादा काम होता है भाई, हमारे लेडीज के लिए फास्ट हो जाते हैं, करवा चौथ का हो जाता है, अयोष्टमी का हो जाता है, फिर घर की साफ सफाई हो जाती है, तो बहुत ज्यादा काम था इस मंथ में। और कुछ मुझे ये भी लग रहा था कि DTWSBPCT कॉमर्स के जो हमारे एग्जाम है वो डिले हो गए हैं, इस या नहीं होने वाले हैं, इसलिए मैंने सोच लिया कि चलो 1 मंथ का हम गैप ले लेते हैं लाइब्रेरी से, उसके बाद मैं भी अपनी लाइब्रेरी जाना स्टार्ट कर दूंगी, कम से कम 8-9 घंटे मैं भी वहाँ पर पढ़ूंगी, आप लोग भी अपनी लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हो। देखिए लाइब्रेरी ज्वाइन करने का सबसे बड़ा मोटिव यही होता है, वहाँ पे तो शांति होती है और आपको कंसिस्टेंटली पता होता है कि मुझे पढ़ना है, फोन कितना ही चला लोगे आप, ज़्यादा फोन भी नहीं चला सकते, आपको एक जगह 8 घंटे बैठ के पढ़ रहे हो तो वहाँ पर आप कम से कम 6 घंटे तो फोकस होकर पढ़ पाओगे, 2 घंटे में मान लीजिए आपने लंच भी किया इधर उधर थोड़ा टहलने निकल गए फोन फान चला गए तो 6 घंटे तो आप वहाँ पर प्रॉपर पढ़ पाओगे, तो लाइब्रेरी एक अच्छा ऑप्शन होता है। जो लाइब्रेरी नहीं जा सकते तो आपको कोशिश करनी है कि आप घर पर ही रहकर कम से कम 8-9 घंटे अपनी स्टडी के लिए। ये थी आज की मेरी वीडियो, एंड यदि आप PCT कॉमर्स के रिगार्डिंग प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं अभी आपके लिए लेकर आ रही हूँ। एंड हमारे एग्जाम डेट की जो बात रही एग्जाम डेट के रिगार्डिंग, अगर आप मुझे बोलेंगे तो एक स्पेसिफिक वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगी कि DWSP के जो टीचिंग एग्जाम्स हैं वो कब होंगे, अदरवाइज जो प्रीवियस वीडियो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।